पहले जब सीए कानून राज्यसभा में जब उसका बिल पेश किया जा रहा था तो हमारे पार्टी के सभी एमएलए के साथ हम जो है जेपी गोलंबर बिहार के गांधी मैदान में हम लोगों ने धरना देने का काम किया, बिहार बंद कराया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पेटिशन दिया सीए कानून के खिलाफ, और इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद से लेकर के कोर्ट तक राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई अभी भी लड़ रहा है। और मुझे खुशी है, देखो बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है, हालांकि और भी केरल जैसे राज्य ने इस प्रस्ताव को पास किया है पहले, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जब बीजेपी शासन में है, सरकार में है, फिर भी जो है उनको सर्वसहमति से इस बिल को, प्रस्ताव को पास करना पड़ा। प्रस्ताव में था कि एनपीआर जो है 2010 के हिसाब से वो होगा, जो नया एनपीआर है वो लागू नहीं किया जाएगा, और क्या है कि एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं, और एनआरसी का पहला स्टेप ही एनपीआर है, जब एनपीआर ही नहीं होगा तो एनआरसी का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये लड़ाई हम लोगों ने अभी खत्म नहीं किया है, ये खत्म नहीं किया, ये बीजेपी के लोग अमित शाह कहते थे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आज हम सब लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल ने उनको 1000 किलोमीटर पीछे ढकेलने का काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि 11 जनवरी को जो हमारी जो मांग थी, क्या मांग थी कि जातीय जनगणना जो है वो होना चाहिए, आज हम लोगों के संघर्ष का नतीजा, लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी थी जातीय जनगणना को लेकर के, उसको आज बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति पास करना पड़ा, तो हमारी जीत हुई है। और अभी अगला जो लड़ाई हम लोगों का होगा, बेरोजगारी का तो होगा ही होगा, लेकिन अभी विधानसभा में हम लोग और मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे इसकी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का भी प्रस्ताव पास किया जाए, और सीए कानून को खिलाफ भी प्रस्ताव हम लोग जो है वो चाहेंगे कि बिहार विधानसभा से पास हो। और हम सब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान हैं, हम लोगों के पास आते हैं, घर आते हैं, मिलते हैं, दफ्तरों में मिलते हैं, उनके माता पिता मिलते बोलते बाबू की नौकरी लगवा दीजिए, मेरा बच्चा है उसका नौकरी लगवा दीजिए, कई लोग आते हैं उसको रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है। 50% बिहार के लोग जो है पलायन कर रहे हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का आंकड़ा है, यानी बिहार का हर दूसरा परिवार का लोग जो है दूसरे राज्य जा रहा है, रोजी रोटी कमाने जा रहा है, पलायन करने जा रहा है। क्यों बिहार में रोजगार नहीं है? हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, 15 साल आपको हुकूमत में हो गए, राज करते हुए हो गया, अभी भी हमारा बिहार जो है गरीब क्यों है? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपका राज है, बिहार में आपका राज है, फिर भी बिहार अगर गरीब है तो इसका दोषी केवल नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग हैं और कोई नहीं। अभी भी हमारे नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो इसका दोषी नीतीश कुमार जी है। हम नीतीश जी से साफ पूछना चाहते हैं, सरकार से, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिलाने का काम किया है, कितनी बहाली निकालने का काम किया है, और कितने नौजवानों ने केंद्र जाकर के युवाओं जो है उसमें पंजीकरण कराने का काम किया है रोजगार को लेकर के? ये नीतीश कुमार जी हमेशा जवाब से भागते रहे। बिहार में ये हालत हो गया कि चपरासी का बहाली निकला विधानसभा में, माली का बहाली निकला तो 5.5 लाख आवेदन जाते हैं, 225 सीट खाली था उसमें भरने के लिए, 225 में से समझे कि 5.5 लाख लोग जो है प्रस्ताव दे रहे हैं। और कौन लोग थे? बीए किए हुए, एमबीए किए हुए, बीटेक किए हुए,
यानी पढ़ा लिखा लोग जो है मान लिया चपरासी में जो है आवेदन दे रहा है और उसमें भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रेलवे स्टेशन चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान जो है अभी दरोगा बहाली को लेकर के जो अभी धांधली भी हो रहा है, देखा होगा आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में एक इंच जगह नहीं है, ट्रेनों के ऊपर चढ़ चढ़ करके इंजन के ऊपर बोगी के ऊपर प्लेटफॉर्म में एक जगह नहीं बची जहां हमारे नौजवान जो है चढ़े नहीं है, भर्ती के लिए नहीं जा रहे। ये स्थिति बिहार की बनी हुई है। हम आपसे पूछते हैं क्या रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए तो इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम आप लोगों से वादा करने आए कि हम जो है आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम यहाँ लड़ रहे हैं आपको रोजगार दिलाने के लिए, नीतीश कुमार जी अपना रोजगार बचाने के लिए, वो अपना रोजगार बचाना चाहते हैं, हम आपको रोजगार दिलाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी की डबल इंजन के सरकार में ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना बिहार को विशेष पैकेज मिला, और आप देखिएगा बिहार को हर तरीके से ठगने का काम किया गया। नौजवान भाई, आप सब लोगों से हम वादा करते हैं, अगर आप हमारे हाथ को मजबूत करोगे, आप हमको ताकत देने का काम कीजिएगा, तो बिहार से हम लोग जो बेरोजगारी को दूर करेंगे, हर एक नौजवानों को रोजगार दिलाने का हम काम करेंगे। सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है, सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो डोमिसाइल कानून को लागू करेंगे। डोमिसाइल कानून क्या है? अभी क्या होता है बिहार में कि मान लो कुछ नौकरी है तो दूसरे प्रदेश से लोग आकर के रोजगार ले लेते हैं, बिहार के लोग को बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता। डोमिसाइल कानून होने के बाद जितनी भी बिहार में नौकरियां होंगी उस पर 85% हक बिहारी का होगा, 85% हक बिहार के लोगों का होगा। हम आप सब लोगों की चिंता जानते हैं, जब नौजवान सुबह उठता है तो बड़ी उम्मीदों के साथ उठता है, लेकिन जब सोता है तो टूटे हुए उम्मीदों के साथ सोता है। इस लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। आप देखिएगा पूरी तरीके से बिहार में इतना काम किया जा सकता है, लाखों रिक्त पद खाली है बिहार सरकार के, भारत सरकार के लाखों पद, चाहे शिक्षक का में हो, चाहे प्रोफेसर में हो, चाहे सिपाही में हो, सिपाही में लगभग 50,000 अभी जो है रोजगार खाली है, चाहे नर्स में हो, हेल्थ में हो, चिकित्सा में हो, टूरिज्म में हो, हर जगह देखेगा तो लाखों की संख्या में खाली पद है। पहले इस खाली पदों को हम भरने का काम करेंगे ताकि नौजवान लाखों की तादाद में उसको रोजगार मिले। उसके बाद आप देखिएगा पूरे बिहार में जो भी परीक्षा होता है, बीपीएससी परीक्षा लेता है, कभी समय पर परीक्षा नहीं होता है, और उसमें भी होता है तो फर्जीवाड़ा होता है, क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद होता है, अब बिना घूस के कोई काम नहीं होता। ये होता है कि नहीं होता? कोई भी बहाली में या कोई परीक्षा हो तो पेपर लीक होता है कि नहीं होता है? यानी जो हकदार है उसको जो है रोजगार नहीं मिल पाता, उसको वंचित रखा जाता है। बीपीएससी को हम लोगों ठीक करने का काम करें। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने बीपीएससी चेयरमैन का वॉइस कॉल जो है टेप रिकॉर्डिंग बाहर आया, क्या बोलता कि डीएसपी बनाने के लिए हम 45 लाख रुपया लेंगे। बताइए नीतीश कुमार जी के राज में अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कोई गरीब को पूछने वाला है? ब्लॉक चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ तो बिना सीओ घूस लिए हुए काम कर रहा है, थानेदार जी बिना घूस लिए हुए काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है। रोजगार सृजन करने का लिए बिहार में कारखाने क्यों नहीं खुल सकते? क्यों नहीं कंपनियां आकर के यहाँ जो है कारखाने लगाती है? 15 साल में एक सुई का भी कारखाना नहीं खुला है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मान लो बिहार में केला होता है, मखाना होता है, इस तरह के जो अनाज होते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे या
आपका आलू का पैदावार होता है तो क्यों नहीं यहाँ चिप्स का फैक्ट्री लग सकता, आलू के चिप्स का फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं यहाँ केला का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता है, उससे कई एक चीज बनाया जा सकता है केला का, क्यों नहीं यहाँ लग सकता, क्यों नहीं हम टूरिज्म को पर्यटन को सुधारते हैं ताकि विदेश दुनिया से लोग जो आएंगे यहाँ आएंगे उनका जो होगा दुकान चलेगा, रोजगार पैदा होगा। आज बोधगया चले जाइए, बोधगया की क्या स्थिति है, पूरा पर्यटन जो है मर गया है। बिहार में एक आईटी पार्क नहीं है, एक आप देखिएगा सेज की व्यवस्था नहीं है, आप देखिएगा पूरी तरीके से साइबर हब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से आईटी के क्षेत्र में भी हम लोग जो है काम करेंगे। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस मुख्यमंत्री में, माननीय मुख्यमंत्री जी में इच्छा शक्ति की कमी है, इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं करके दिखा सकते। लोग चांद पर चले जा रहे हैं और हम जो है अपने भाई को, नौजवान को रोजगार नहीं दिला पा रहे, क्या स्थिति बनी बताओ। पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, इलाज के लिए बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो बाहर जा रहा है, सिर्फ वही नहीं जा रहा, बिहार का पैसा भी बाहर जा रहा है, बिहार का पैसा भी बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य की तरक्की हो रही है उन्हीं पैसों की। अगर हम अच्छा अस्पताल बनाएंगे, अच्छा यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसानों का दुख दर्द दूर करेंगे, अगर हम अच्छे अस्पताल के साथ खेल कूद की व्यवस्था, अच्छे स्टेडियम बनाएंगे, टूरिज्म की व्यवस्था कराएंगे, आईटी पार्क खोलेंगे जहां विप्रो, इंफोसिस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहां करके काम करेंगी, तो हमारा बिहार के लोग भी बिहार में रहेंगे और बिहार का पैसा भी बिहार में रहेगा और उन पैसों से तरक्की होगी। बोला खाने पीने का, मछली सुनते हैं कि बाहर से आता है, मत्स्यजीवी को अगर हम लोग सुधारें, पैदा बढ़ाएं, मान लो इस बार एक साल में बिहार में 17 टन मिली टन अनाज का हुआ, 17 मिली टन अनाज हुआ, तो हम इसको 3 गुना करके 50 मिली टन क्यों नहीं कर सकते, 4 गुना क्यों नहीं बढ़ा सकते, तो फायदा किसका होगा, बिहार का होगा, बिहार के लोगों का होगा। तो अब हम लोगों को देखिए, काम की बात करनी है, विकास की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है। आप देखिएगा ये सरकार जो है हमेशा उल्टा सीधा कानून ला करके चाहता है हिंदू मुसलमान दंगा करा दे। आपको NRC चाहिए, CA चाहिए या आपको रोजगार चाहिए, आप बताइए क्या चाहिए आपको, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये मेन मुद्दों से भटकाने के लिए देश में अघोषित इमरजेंसी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है, और ये जो है अपने कमियों को छुपाने के लिए जो है इस तरह का कानून ला करके, अब माफ कीजिएगा ये जो कानून है केवल मुसलमान भाइयों के प्रति नहीं है, ये काला कानून 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, और सबसे बड़ी संख्या में अगर इस कानून का नुकसान अगर किसी को होगा तो हमारे दलित भाइयों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों को होगा। इसलिए आप सब लोग, बाढ़ से आधा हमारा बिहार डूबा रहता है, बाढ़ में तो घरों दह जाता है, आदमियों दह जाता है, और जो आदमी बच गया वो कागज कहाँ से लाएगा, कहाँ से नागरिकता साबित करेगा, भीख मांगने वाले, मजदूरी करने वाले ये लोग कौन है, जहां झोपड़पट्टी में रहने वाले कहाँ से कागज लाएगा। महंगाई मुद्दा है, उस पर बात नहीं हो रहा, बेरोजगारी मुद्दा है, उस पर बात नहीं हो रहा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, इस पे बात नहीं हो रहा, किसानों का आय दुगुना कैसे हो, अच्छी सिंचाई का व्यवस्था कैसे हो, पानी बिजली अस्पताल, इस पे चर्चा नहीं हो रहा। चर्चा किस चीजों पे की जा रही है, चर्चा इन्हीं चीजों पे की जा रही है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, और कोई नहीं मिलता तो इमरान खान पे चर्चा कर। तो आप बताइए हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, उसलिए काम की बात होनी चाहिए। आप लोग सब लोगों का विश्वास मिले, आशीर्वाद मिले, आप लोगों का साथ मिले, ताकि इसका हम लोग पूरी तरीके से गरीब का राज लाए, गरीब का सरकार बनाने का काम करें और नौजवानों की सरकार बनाए,
ताकि जो है सारी समस्याओं का हम लोग निदान कर सके। लोग कहते हैं कि 15 साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया आरजेडी ने, आप जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, खास तौर पे नौजवान भाई। ये भाजपा वाला कहता है कि 15 साल में क्या हुआ, लालू जी थे तो 15 साल में क्या हुआ। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, ध्यान से सुनना, जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग झूठ अफवाह फैलाता रहेगा। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो गांधी मैदान पटना का रेलवे स्टेशन गिरवी था। बिहार सरकार 2700 करोड़ नुकसान में थी और 90 की परिस्थिति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आज जैसा माहौल नहीं था, विपरीत था, अलग था। उस दौर में लालू जी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम किए। अब बिहार का मुख्यमंत्री बनने के साथ ही साथ 7 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, 2 झारखंड में चला गया, 5 जो है बिहार में है। लालू जी ने जो वंचित शोषित समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिलता था बोलने का भी, उसको लालू जी ने मुख्य धारा में ला करके बोलने का, सामाजिक न्याय देने का काम किया। गरीब वंचित राजनीति में भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया, सो आगे बढ़ाने का काम किया। और आपको पता होगा जब 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो हमारी सरकार जो लालू जी के 90 के दौर में जो घाटे में थी, जब लालू जी को सत्ता मिली 2700 करोड़ घाटे में थी, जिसमें गांधी मैदान रेलवे स्टेशन गिरवी था, और जब हमारे राज नीतीश कुमार जी के हाथों में सौंपा तो मुनाफा 3700 करोड़ में दिया, 3700 करोड़ में मुनाफा दिया। और आज क्या हो गया कि बिहार में एक बिहारी पे 2004 में कितना कर्जा था, 5000। ध्यान से सुनिएगा, 2004 में 5000 प्रति व्यक्ति कर्ज था। आज पता है 2020 में कितना कर्ज हो गया है, एक बिहार में एक बिहारी पर 1.25 लाख का कर्ज हो गया है, 1.25 लाख का कर्ज है एक बिहारी पर। यही है विकास, तो आप समझ जाओ क्या काम हो रहा है, लूटा जा रहा है आप लोगों को। और जब लालू जी रेल मंत्री बने केंद्र में, तो आपको पता होगा 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को देने का काम किए, 4-4 कारखाना बिहार को देने का काम किए, रेलवे का चक्का कारखाना भी जो है मधेपुरा छपरा हर जगह लगाने का काम किए, लाखों लोगों को रोजगार दिए। और पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कितने लोगों को शिक्षा में परमानेंट बहाली कराई, सिपाही में परमानेंट बहाली कराई लालू जी ने, ये मत भूलिएगा। उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी, जब हमारा 15 में सरकार था, 90 में सरकार था, 98 से 2004 तक अटल जी थे, 12 मंत्री बिहार सरकार के, 12 मंत्री बीजेपी के थे केंद्र में, उनमें से नीतीश कुमार जी थे, सौतेला व्यवहार किया जाता था। उन परिस्थितियों में भी हमने जब सौंपा सत्ता तो मुनाफे में सौंपा, और कर्ज था 5000 प्रत्येक बिहारी, आज 1.25 लाख का कर्ज हो गया। आप पूछो, डबल इंजन की सरकार है ना, अभी कितना पैसा मिला, लालू जी जब केंद्र में थे तो बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए दिलवाए, कितना, 1,44,000 करोड़। आप पूछो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल से, 15 साल का हिसाब मांगू ना, बिहार के स्पेशल पैकेज में ना बाढ़ के लिए नहीं आते हैं, जांच कर दे, आकलन कर दे कि कितना तबाही हुआ, कितना नुकसान हुआ, सूखा पड़ा रहता है, एक बड़ा भू जो है जमीन बिहार का वो खाली है सूखा से, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, लाखों हेक्टेयर जमीन जो है, अगर उसमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो कितना किसानों का फायदा हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो है सरकार जो है आपको इन सब चीजों में उलझाने का काम करेगी, उसलिए उलझना नहीं है। आप लोग जो है लालू जी के हाथ को
मजबूत करने का काम कीजिए, तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आवाज नहीं आ रहा है, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो हम लोग देखिए पूरे बिहार में जाकर के जो है बेरोजगारी यात्रा, बेरोजगार की हटाना है, उसलिए पूरे बिहार में जाकर के सभी लोगों को जोड़ने का काम कर। लेकिन हम अपने पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि 8 महीने बाद आपकी सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों से कह देते हैं 8 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको राम बन के सबरी का बैर दिखाना होगा, राम बन के सबरी का बैर दिखाना होगा और कृष्ण बन के सुदामा का पैर भी धोना होगा। आप जितने नियोजित शिक्षक संघ के लोग हैं, जीविका दीदियां हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, सभी सरकारी कर्मचारी जब जब हड़ताल पे जाते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो यही नीतीश जी की सरकार लाठी डंडा बरसाती है। हम ये कहना चाहते हैं, नौजवान जितने हैं अभी देखिएगा सब लोग गए अधिकार मांगने, तो उन सब पे भी जो है